द्वारापुर में द्वारापुर की बेटी बहू और बेटे के साथ में देखिए ये जो जघन्य और मानवता को शर्मसार करने वाली घटना और पुलिस प्रशासन के और राजनीतिक लोगों के द्वारा दबाई गई घटना के विरोध में आज होप सर्कस पर हम सब धरने पर बैठे। भारतीय जनता पार्टी ने धरना दिया है। इसमें उपस्थित पूर्व कैबिनेट मंत्री आदरणीय हेम सिंह जी भडाना, आदरणीय जिलाध्यक्ष संजय जी नरुका, अलवर शहर के विधायक आदरणीय संजय जी शर्मा और अन्य मंच पर बिराजे सभी उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बंधु, ये राजस्थान की सरकार ये दलित विरोधी सरकार है, ये मानवता विरोधी सरकार है और पुलिस ने पुलिस की कार्यशैली पर कलंक लगाया है और ये कलंक सामान्य छोटे सिपाही के कारण नहीं लगा है, जिसको इस जिले का टाइगर कहकर के लोग बोलते हैं, ऐसे व्यक्ति के द्वारा लगाया गया पुलिस शैली पर कलंक है। इस घटना में इससे बड़ी घटना शायद हिंदुस्तान में कहीं हो कि एक महिला को जंगल में निर्वस्त्र कर दिया जाए, उसके पति को निर्वस्त्र कर दिया जाए और वो सरकार, उस सरकार के नुमाइंदे, उस सरकार के मंत्री और मुख्यमंत्री उसको सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनमें जरा सी भी मानवता बची है या मानवता के प्रति थोड़ा बहुत भी सम्मान है तो उनको शर्मसार हो जाना चाहिए था, त्याग पत्र दे देना चाहिए था सरकार से। ये सरकार चलाने लायक नहीं है, ये जंगल राज हो गया है राजस्थान में। अलवर जिले में इस प्रकार की अनेकों घटनाएं इन दो तीन महीनों में कांग्रेस सरकार में हो चुकी। एक ये नई घटना आ गई है दूमेड़ा की, थानागाजी में एक महिला के साथ बलात्कार हुआ है। अभी मैं यहां बैठा था तो टपुकड़ा से फोन आया है, एक महिला का अपहरण कर ले गए और चौपान की थाने का थानेदार अब तक उस पर कार्रवाई नहीं कर रहा है, चिन्हित व्यक्तियों के नाम बता दिए लेकिन वो कार्रवाई करने को तैयार नहीं। ये सब कहां से हो रहा है? अलवर जिले का जो एक मंत्री है दलित समाज से आता है और उस मंत्री को मानवता के आधार पर अब तक त्याग पत्र दे देना चाहिए था, लेकिन वो भी कुर्सी पर चिपका बैठा है, वो इस समाज के साथ नहीं खड़ा है। भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता आज उन सब के साथ खड़े होने के लिए यहां आए, हम सब एक हैं। अखबार में पत्रकार बंधुओं ने मेरे नाम से एक समाचार छापा है, उसका मैं स्पष्टीकरण देना चाहता हूं। कल दो तीन पत्रकार वहां द्वारापुर में थे, मैं वहां उपस्थित था, अपने भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की कार्यकर्ता बहन रुपया वहां उपस्थित थी, बहन रुपया ने भी उनसे कहा था कि भाई साहब का भी कुछ वर्जन ले लीजिए, लेकिन नहीं लिया, मेरे नाम से छापा, उनको भी फोन किया और उन्होंने रिसीव नहीं किया। मैं आप सबको जानकारी देना चाहता हूं, मेरे परिवार में कमालपुर में एक 17-18 साल का जवान, मेरे परिवार का एक बच्चा कोई सुसाइड करने के कारण चला गया, उस दुखद घटना में मैं शामिल होने के लिए गया। 6 तारीख को भर्तरी तिराहे पर दुकान है मावे की, नरेश कुमार गुर्जर अपना कार्यकर्ता है युवा मोर्चे का, उसका सुबह 10 बजे मेरे पास फोन आता है, जबकि अखबार ने छापा 30 तारीख को फोन से सूचना दी गई, फोन नहीं उठाया, मेरे पास कोई सूचना नहीं आई थी। 6 तारीख को वो कार्यकर्ता फोन करता है कि इस तरह की घटना हुई है और उसको पुलिस ने दबा दिया है, पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही। उसी समय मैंने एसपी साहब को फोन लगाया, अलवर जिले के एसपी को फोन लगाया, उन्होंने फोन पर मेरे कहा कि एफआईआर दर्ज हो गई है, चिन्हित कर लिए अपराधी, पानसुर में हमीरपुर गांव के हैं और पुलिस वहां भेज दी गई है, कार्रवाई करवा रहा हूं, जल्दी गिरफ्तार करवा दूंगा। इतनी मेरे से एसपी साहब की 6 तारीख को बात थी। 10 तारीख को मैं 6 तारीख को 10 बजे पीड़ा ढाबा के आसपास था, उस समय यह फोन आया था मेरे पास, इससे पहले कोई जानकारी हमें नहीं थी। भाई और बहनों, थानागाजी का विधायक मीणा साहब 30 तारीख को जब एसपी साहब के पास लेकर आता है और विधायक के कहने से भी कार्रवाई नहीं हो रही है तो क्या उसकी जिम्मेवारी नहीं बनती थी? मीडिया को जानकारी देता, मीडियाओं को बुलाता, अखबार में, टीवी में, मीडिया में देता, इसका मतलब है थानागाजी का विधायक
कांग्रेस के साथ मिला हुआ है, वो कांग्रेस के समर्थन में है, वो इस घटना को दबाना चाहता था, वो गहलोत से उपकृत होना चाहता था, राजस्थान के मुख्यमंत्री से उपकृत होना चाहता था, इसलिए इस घटना को मीडिया को उस व्यक्ति ने नहीं बताया। अरे एसपी ने कार्रवाई नहीं की, पुलिस ने नहीं की, तुम तो विधायक हो, जनप्रतिनिधि हो, जब पुलिस प्रशासन कार्रवाई नहीं कर रहा है तो तुम्हारी जिम्मेवारी बनती थी। अलवर कोर्ट में मीडिया के लोग घूमते रहते हैं, वो खोजते रहते हैं समाचार, उनको तुरंत फोन करके बुलाते, मीडिया को देते, 30 तारीख को कार्रवाई होती, जनता जाग जाती। लेकिन 29 तारीख का पोलिंग, 6 मई का पोलिंग, इसको हो जाने दो, उसके पास कार्रवाई करेंगे, कार्रवाई क्या करेंगे? ये जबाना चाहते थे सब बातों को, ये महिला विरोधी सरकार है। आज इस घटना के बाद, ये वायरल होने के बाद, बहन राजदुलारी शर्मा जी ने कहा, महिला नहीं जवान बेटी बहु बेटी घर से बाहर सड़क पर निकलने के लिए डरी हुई है, सहमी हुई है, ये राजस्थान के जंगल राज को देख करके कि महिलाओं के प्रति कैसी सुरक्षा है यहाँ। और मैं तो सबसे बड़ा कलंक उस परिवार को मानता हूं जिस परिवार को पता चल गया कि मेरे बेटे ने ये दरिंदगी की है, ये दरिंदा ऐसी बड़ी दरिंदगी करके आया है, उसको लेकर के आ जाना चाहिए था समाज के बीच में और उसके पंजे सिर करके सिर पर जूते मारने चाहिए थे, उसको पुलिस को बंद करवाना चाहिए था। लेकिन वो परिवार भी अपने लाडले को बचा रहा है, वो दरिंदे को बचाने के लिए दौड़ रहा है। ऐसे दरिंदे को बचाने के लिए जो जो भी शामिल है, आदरणीय किरणलाल जी मीणा ने बताया, ये निश्चित रूप से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने 3 एक्ट में ये बदलाव किया है कि 3 एक्ट की FIR दर्ज होने के बाद अगर पुलिस कार्रवाई नहीं करती है, जो जो अधिकारी जो जो व्यक्ति उसको कार्रवाई में बाधक बन रहे हैं वो सब भी उसमें अपराधी हैं, वो सब भी उसमें अपराध में शामिल है, उनको भी जेल में जाना पड़ेगा। ये कार्रवाई होनी चाहिए थी, ये अब तक कार्रवाई नहीं हो रही है। इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं को निवेदन करता हूं कि ये कार्रवाई होनी चाहिए और हम सब जान की बाजी लगा देंगे उस महिला को न्याय दिलाने के लिए। केवल महिला एक नहीं है, हिंदुस्तान नहीं, राजस्थान की धरती पर आए दिन 3-4 महीनों में बाड़मेर में दलित महिला के साथ बलात्कार हो गया, थाना गाजी का डूमेड़ा का ये कांड आ गया, ऐसे टपुकड़ा का समाचार आ गया, ऐसे आए दिन समाचार आ रहे हैं। ये सरकार है या जंगल राज है, क्या है ये? लॉ एंड ऑर्डर खत्म हो गया है, पुलिस प्रशासन क्या सोच रहा है? ये मंत्री संतरी सरकारों की उम्र ज्यादा लंबी नहीं होती है, ये तो दिन दो दिन के, 5 दिन के, 5 साल के हैं। लोगों को तो लंबा चलना है, समाज की सेवा करने की शपथ ली है, समाज की सुरक्षा करने की शपथ ली है, आप कर क्या रहे? एक मंत्री के दबाव में, एक मुख्यमंत्री के दबाव में, एक महिला के एक जघन्य अपराध को दबा दिया, उसको आगे नहीं आने दिया। हम मांग करते हैं, राज्यपाल महोदय से मांग करते हैं कि ये मुख्यमंत्री नैतिकता के आधार पर त्याग पत्र देने वाला नहीं है, क्योंकि इसमें नैतिकता बची नहीं है, कांग्रेस के लीडरों में नैतिकता है ही नहीं, उनकी संस्कृति है इस प्रकार की। इसलिए राज्यपाल महोदय से प्रार्थना करेंगे, ज्ञापन देंगे कि इस सरकार को बर्खास्त करके और यह राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए। ये पुलिस राजस्थान की न्याय नहीं करेगी, सही जांच नहीं करने वाली, एसपी को दोबारा पोस्टिंग मिलने वाली है, थानेदार भी कहीं लग जाने वाला है। इसलिए मैं राष्ट्रपति शासन की मांग करता हूं और राष्ट्रपति शासन के माध्यम से CBI के द्वारा ये जांच हो और अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। जय भारत, जय हिंद।